हेलो स्टूडेंट क्लास टू इंग्लिश सेकेंड। आइए आज हम लेसन 15 ट्रांसलेशन पार्ट का नाम है इसे आज हम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवाद, ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन वर्ड, ये ट्रांसलेशन शब्द क्या है, आइए हम इसे समझते हैं। ट्रांसलेशन वो है जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा को बदलते हैं, उसे ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। एक भाषा मतलब यदि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सेम वही बात को अगर हम हिंदी में कहेंगे उसको कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवाद। जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, अनुवाद ही ट्रांसलेशन कहलाता है। हमेशा वाक्य में सार्थक क्रम होना जरूरी है। क्यों? जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम ग्रामर के कुछ नियमों का पालन करते हैं। यदि हम ग्रामर के नियमों का पालन नहीं करेंगे और वैसे ही वाक्य बना देंगे तो वो वाक्य का अनुवाद जो होगा वो गलत होगा। इसलिए ग्रामर में नियमों का पालन आवश्यक है। आप जानते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब उल्टा पुल्टा नहीं, जैसे लिखा हुआ है दिस माय बुक इज, ये गलत वाक्य लिखा है। यहाँ जो शब्द हैं, यहाँ जो वर्ड लिखे हुए हैं वो सार्थक समूह में नहीं है। इसका सार्थक समूह है दिस इज माय बुक, इसलिए ये सही है क्योंकि यहाँ पर शब्दों का समूह जो है वो सार्थक है, सत्य सही है। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, जब भी हम वाक्य बनाते हैं, एक सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो बात इस प्रकार है, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट बात को कहने वाला होता है। एक वाक्य में सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, पहले क्रम पे होता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म, मतलब बात को सुनने वाला। तीसरा है वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया, मतलब बात को करने वाला। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में इन तीनों चीजों का होना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इनका होना आवश्यक है। यदि ये तीन नहीं भी हैं तब भी सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया होना जरूरी है। अगर ये दोनों होंगे तब जाकर के एक वाक्य का जो अर्थ है वो सही होगा। एग्जाम्पल, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, इसका अर्थ है मैं आम खाता हूँ। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट, ईट मीन्स होता है खाना, खाना एक क्रिया है, क्रिया मीन्स होता है वर्ब। मैंगो, मैंगो मीन्स है आम, आम यहाँ पर जो शब्द है मैंगो वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर ये मैंगो नहीं भी होता, ये शब्द ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तब भी इसको हम इसको छिपा करके पढ़ेंगे तो आई ईट पढ़ेंगे। आई ईट मतलब हो गया मैं खाता हूँ, इस तरह से ये वाक्य पूरा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस आई शब्द को, आई यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर है, अगर इस आई मतलब होता है मैं, इसको हटा दें तो वाक्य का जो अर्थ है ईट मैंगो, क्या क्या आम खाता हूँ, आम खाता हूँ, कौन खाता है, वाक्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी है
सभी सेंटेंस पूर्ण है, लेकिन बिना वर्ब के वाक्य या सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट, हम लोग जानें कि किस तरह से एक वाक्य बनता है और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। आप इसे कॉपी में लिखिए और पढ़िए। धन्यवाद।